हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली। मैं अनूप वर्मा फिर से आ गया हूँ आपके बीच में। आज ना मेरे बच्चों, आज मैं आपको कुछ और अच्छा पढ़ाऊंगा, कुछ मैं आज तूफान ही मचाने वाला हूँ बच्चों। देखिए, मैंने आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी ना बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपसे क्या कहा। मैंने आपसे कहा था मेरे बच्चों, मैंने जहाँ तक फिनिश करा दिया है टॉपिक, वहाँ तक आप रेडी रखिए, आप रेडी रखेंगे। उसके बाद मैंने आपके लिए कराया था, मैंने आपसे कराया था बेटा, क्या लास्ट में क्या कराया था, को क्रांति कोण बेटा धांसू ट्रिक बताई थी, आप उसे भूलने वाले नहीं हैं। देखिए बेटा, आप बुक में पढ़ लेते हैं, बुक में पढ़ने से क्या होगा, अरे सर समझ में नहीं आता है, बुक में पढ़ा बेटा कैसे आएगा, आप हमसे कहाँ पढ़ते हैं। अब हमको आपको पढ़ाने आए ना, हम आपको पढ़ाने आए हैं बेटा, तो आपको रटना नहीं है, एक चीज़ दिखाएंगे मेरे बच्चों। तो देखिए, आज हम लेने वाले हैं क्या, देखिए वो टॉपिक पढ़ा हुआ, एक टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा पदार्थ के अपवर्तनांक में संबंध। आज हम आपको बेटा ये टॉपिक पढ़ाएंगे, और इससे ना ये तो देखिए बेटा आप बुक में पढ़ लेंगे, लेकिन बुक में मज़ा नहीं आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चों, मैं आपसे एक बार फिर से विनती करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब करिए ना, ताकि यहाँ कल देखिए बेटा, कल मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया, वो कह रहा था सर कि आप पढ़ा रहे हैं क्या। हमने कहा बेटा आपको कैसे पता, बोला सर मुझे तो पता ही नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, सर आप बताइए मैं कैसे तैयारी करूं। मैंने कहा बच्चों देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या आपके दोस्त को बताया नहीं आपके दोस्त ने, बोला सर मुझे कहां बताया। मैंने कहा बेटा अरे है तेरी कितना नुकसान हो गया आपका, तो बेटा आपका फ्रेंड था ना वो, आपने क्यों नहीं बताया उसे, तो आप बताएंगे ना, कैसे बताएंगे मेरे बच्चों, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेटा लाइक ठोक दीजिए, मुझे मैं एनर्जी आ जाएगी, फिर मैं आपको ना 10 गुना तेज ताकत से पढ़ा दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले ये काम करिए, सब्सक्राइब जल्दी करिए, ताकि मैं जो भी आपको ट्रिक बताऊं ना वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आज हम इस टॉपिक को अपने लेके चलते हैं। देखिए क्रांतिक कोण हमने पढ़ा दिया, तो होता क्या बेटा, बाद में हम अब इसे दोबारा नहीं बताने वाले। देखिए मेरे बच्चों, छोटा सा संबंध है मेरे बच्चों, ये एक नंबर में आ जाता है, बहुत सरल, आप इसे छोड़ेंगे नहीं। देखिए क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये कोई बेटा कांच है मेरे बच्चों, ये कांच हो गया ऊपर, तो और नीचे आपका बेटा वायु हो गया, वायु होता है विरल माध्यम होता है, और ये कांच क्या होता है मेरे बच्चों, सघन। बेटा ये तो ऐसी ट्रिक बताई थी कि कोई बताएगा नहीं आपके लिए, बहुत धांसू ट्रिक बताई थी हमने, और कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, रटवाते नहीं है बेटा यहाँ पर सर आपके, रटवाने वाला काम नहीं है, दिखाने वाला है बेटा। सघन और विरल को आपने नहीं समझा है तो मेरी पिछली वीडियो को देखिए, आपको समझ में चुटकी में समझ में आ जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो आज ना आपको हम ये समझेंगे। देखिए बेटा क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण बेटा कहाँ से जा रही है, देखिए मेरे बच्चों कांच से जा रही है ना, कांच से है ना। अब बेटा देखिए, ये ऐसे नहीं जाएगी बेटा, ये जानी ऐसी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं जाएगी मेरे बच्चों। सर क्यों नहीं जाएगी बताएंगे, देखिए ये थोड़ी ऐसे मुड़ जाएगी ना, मुड़ गई ना बेटा, क्यों मुड़ गई, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। इस घटना को ना हमने प्रकाश का अपवर्तन कहा था, हमने दिखाया था आपके लिए, अब बेटा दोबारा बताने वाले नहीं है। देखिए दिखाएंगे बेटा बहुत टाइम जाएगा, आपके पास टाइम बहुत कम है ना, इसलिए बेटा आप पिछली वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए क्या कहेंगे, ये कांच है सघन माध्यम, वायु है विरल माध्यम। देखिए अब क्या होगा, हम अपवर्तनांक निकालेंगे, कैसे, ये किस में जा रही है, कांच से वायु, बेटा कांच से वायु में जा रही है ना, तो बेटा ये देखिए हमने क्या लिख दिया, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। सर जी क्या कांच हो गया, अरे मेरे बच्चों देखिए ना, गिलास किसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, कांच कहते हैं ना, एयर देखिए मेरे बच्चों, एयर को क्या वायु कहते हैं ना बेटा, जी पहला लेटर, ए पहला लेटर हो गया ना। तो देखिए बेटा ये कांच पहले आया, क्योंकि बेटा ये किरण कहाँ से आ रही थी बेटा, ये कांच से आ रही थी, इसलिए कांच पहले आया। मान लीजिए बेटा अगर हम उल्टा कर दें, मान लीजिए इस ऐसे कर दें, इसके लिए बेटा ये ऐसे कर दें, ऐसे इधर से जाए किरण, तो बेटा सीधी जानी चाहिए, सीधी जाएगी ऐसे, लेकिन सीधी जाएगी नहीं, क्योंकि बेटा माध्यम बदल गया, तो ये थोड़ी क्या होगा बेटा, थोड़ी झुक जाएगी,
ठीक है बेटा, झुकेगी नहीं बेटा। अपवर्तन में क्या होता है ना कि जब विरल से जाते हैं सघन में, जब विरल से सघन में जाएंगे मेरे बच्चों तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटती है मेरे बच्चों। तो देखिए अब हम इसे क्या कहेंगे, क्या जी एन ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों सर? क्योंकि अब कहाँ से जा रही? वायु से। तो पहले वायु आएगा ना, क्योंकि पहले वायु से गई है किरण, तो ए एन जी। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब एक मिनट में समझ में आएगा मेरे बच्चों। देखिए क्या, देखिए क्या कहने वाले हैं हम, जब कोई प्रकाश की किरण कांच से वायु में गई तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखेंगे। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हम किसके अनुसार लिखेंगे? स्नेल के नियम के अनुसार। सर वो क्या होता है? पढ़ा दिया है मेरे बच्चों। देखिए क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर मेरे बच्चों। ठीक है, अब देखिए यदि 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 आपतन कोण, आपतन कोण जिसे आई कहते हैं, अगर वो हो जाए क्रांतिक कोण मेरे बच्चों, क्रांतिक कोण सी के बराबर हो जाए। सर ये क्या होता है? अरे होता है मेरे बच्चों, करके दिखाया है ना आपके लिए। तब क्या होगा बेटा? तब जो अपवर्तन कोण होगा वो बेटा 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा 90 डिग्री? सर कैसे दिखा दीजिए, पिछली वीडियो में जाइए ना, तभी तो देखने को मिलेगा ना। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए इसे हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। बेटा जब भी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में जो अपवर्तन कोण होता है बेटा वो आपका 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसे यहाँ पर लगा देंगे। देखिए बेटा जी एन एज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा, आई की जगह बेटा क्या है देखिए ना, सी। आई किसके बराबर हो गया मेरे बच्चों? सी के। तो साइन सी अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। बेटा आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन पर मैथ नहीं होगी, आठ साइड के हैं ना, तो सर मुझे साइन 90 की वैल्यू पता नहीं है। बेटा आपके सर आए हैं ना, आज आए हैं ना, तो घबराने का नहीं बेटा, आपको सब याद करवा देंगे। याद कर बेटा, तब तक आप ना ऐसा करिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अभी बेटा समझाने बैठ जाऊँ टॉपिक नहीं हो पाएगा। तो देखिए चूँकि हम याद रखेंगे साइन साइन 90 डिग्री क्या होता है मेरे बच्चों? बन होता है ना। देखिए जी एन एज इक्वल टू साइन सी अपॉन, इसकी जगह कितना आ जाएगा? बन आ जाएगा मेरे बच्चों। तो बन आ जाएगा, इसे ऐसे ही बन का तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे बच्चों, साइन सी हो गया ना, हो गया मेरे बच्चों। देखिए हम यहाँ को इधर से रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लेते रहिए, जल्दी लेती है, जल्दी लीजिए बेटा। देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि अब हम इसे ऐसे कर दें, चूँकि जी एन एज इक्वल टू वन अपॉन ए एन जी होता है, आप बताइए बच्चों होता है नहीं होता है? अरे होता है। कैसे सर, ऐसे कैसे आपने बोल दिया? बेटा देखिए अब क्या हुआ, देखिए उल्टा हो गया। उल्टा कब होगा बेटा? पहले किरण ऊपर से आ रही थी, अब उल्टी भेज दो ऊपर, कैसे उल्टी? इधर से तो होगी ना मेरे बच्चों, इधर से होगी ना, आप देख रहे हैं ना, तो उल्टी हो जाएगी। देखिए पहले ऊपर से आ रही थी तो कहाँ से? कांच से आ रही थी ना, अब उल्टा देखिए, उल्टा ही तो है ना, उल्टा करा तो देखिए यहाँ से कहाँ से जा रही बेटा? वायु से। वायु पहले आया ना मेरे बच्चों, आया ना। तो देखिए ये बेटा मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ बेटा, तभी आप देखिए मेरी वीडियो को बेटा। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? ए एन जी इज इक्वल टू बेटा, बेटा ये देखिए वन अपॉन ए एन जी। बेटा मैं आपको ऐसे लिख देता लेकिन डायरेक्ट हो जाता वहाँ पर, तो मैं आपको एक लाइन बढ़ा रहा हूँ बेटा। ये साइन सी हो गया। देखिए बेटा अगर हम इसे ए एन जी लिखेंगे तो ये वन अपॉन साइन सी होगा कि नहीं होगा? बेटा जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ये तो बेटा बचपन में आप पढ़ते आए हैं मेरे बच्चों। बेटा देखिए यही आपका संबंध है। सर ये कैसे? ये तो क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में कहाँ संबंध हो गया मेरे बच्चों? देखिए सी क्या है? क्रांतिक कोण है ना। ये एन क्या? ये किसी के सापेक्ष किरण जो जाएगी ना वो कहीं से कहीं तो जाएगी ना। अब सर ये वायु से कांच में ही जाएगी बेटा, कहीं चली जाए, मान लीजिए आपकी इसे पहला माध्यम कह दो, इसे दूसरा कह दो, तो ये बन एन टू बराबर बन अपॉन साइन सी ऐसे भी कह सकते हैं ना, ये टू एन बन बेटा ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, कह सकते हैं बेटा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आपको ना समझ में आ गया ना बेटा? एक थोड़ी सी ट्रिक, अब मैथ वाले बच्चे समझेंगे बेटा, साइंस वाले यहाँ छोड़ दे, कोई नंबर काटने वाला नहीं है बेटा। देखिए वन अपॉन साइन सी इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों? कौशिक सी। बेटा वन अपॉन साइन इक्वल टू कौशिक, मैथ वाले समझते होंगे इसके लिए, तो और करके लिख देंगे ए एन जी इक्वल टू कौशिक, कौशिक सी। बेटा बोलिए क्या समझ में नहीं आया आपके लिए? आया ना समझ में?
नहीं आया बेटा, एक बार दोबारा बताएंगे बेटा, बार बार नहीं बताएंगे बेटा, मैं आपसे कहते कहते दुखी हो गया हूँ, ये आपको कैसे समझ में आ गया बेटा, आपके सर ने आपको पूरा टॉपिक घुसेड़ दिया दिमाग में, घुसेड़ दिया है ना पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर ही करा दिया, 5-6 नंबर का जो आएगा ना चैप्टर से वो आपको बचने वाला नहीं है मेरे बच्चों, नहीं बचेगा, ऐसे धांस उठेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, फंडामेंटल क्लासेस बरेली में मिलेगी, अनूप सर के साथ मिलेगी ना। तो बेटा देखिए क्या करा, सबसे पहले जहाँ से किरण गई तो जिससे जाएगी वो पहले आएगा, तो जी कहाँ जा रही है, वायु में जा रही, तो एन बा तो ए बाद में आया, तो कांच के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक, और जो आवर्तनांक लिखते हैं तो बेटा साइन आई अपॉन साइन आर होता है स्नेल के नियम से, ठीक है मेरे बच्चों। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा तब इस कंडीशन में जो आई तो सी के बराबर हो गया तो आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा बेटा, देखिए लगा दिया आई की जगह सी तो आर का 90 डिग्री। अब बेटा साइन 90 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है, याद रखिए 1 हो गया मेरे बच्चों। अब यहाँ जी एन ए है, यानी जी एन ए का मतलब कोई कहे सर जी एन ए लिख दिया, अब बताइए किरण कहाँ से जा रही है बेटा, देर लगानी नहीं है बेटा, आप हमारे स्टूडेंट हैं मेरे बच्चों, तो जी पहले है यानी कांच से वायु में जाएगी, इसे उल्टा कर देंगे, उल्टा यानी इधर से उधर जाएगी, तो बेटा ये 1/ANG हो जाएगा मेरे बच्चों, ये साइंस ही ऐसी रहा बेटा, इसे उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा बेटा, 1/C 1/sin क्या होता है बेटा, कौशिक होता है बेटा। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक जो है मैंने आज पढ़ाया बेटा, ये क्या कठिन है बेटा, अरे 2 नंबर पक्के हो गए मेरे बच्चों, पक्के हो गए आपके, 2 नंबर लाएंगे ना, ये 2 नंबर बेटा आपके कटने वाले नहीं है मेरे बच्चों। अब देखिए जल्दी स्क्रीनशॉट धड़ाक से लीजिए बेटा, धड़ाक से लीजिए, रफ कर रहे हैं बेटा, देखिए रफ कर दिया ऐसे। अब सर क्या पढ़ाएंगे आप बेटा, सर तो आज पढ़ाने के मूड से आए बेटा, आज देखिए ना बेटा, आज बेटा मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि आज बच्चों के लिए कुछ तूफानी कर दिया जाए बेटा, आज मैं बेटा देखिए आज मैं हिलने वाला नहीं हूं जब तक आपका टॉपिक क्लियर ना कर दूं।